नव भारत समाचार धनौल्टी ठाठुक से मुकेश रावत की रिपोर्ट। लॉकडाउन में मिली छूट से लोग बाजारों में घूम रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट का सही से कैसे सदुपयोग किया जाए, इसका उदाहरण ठक्कर कुदाऊं के ग्रामीणों ने दिया। सड़क से ठक्कर कुदाऊं गांव की दूरी मात्र 1 किलोमीटर और इस 1 किलोमीटर सड़क के लिए इस गाँव के लोग कई बार जनप्रतिनिधियों शासन प्रशासन को अवगत करा चुके थे, किंतु इस और किसी भी प्रकार से सकारात्मक कार्यवाही न होने के कारण गांव वाले हार चुके थे। किंतु लॉकडाउन के बाद गांव के सारे युवा गांव आए हैं 1 किलोमीटर की इस सड़क के लिए। गांव के युवाओं ने मिलकर व गांव के प्रधान को साथ लेकर इन सभी लोगों ने स्वयं के आर्थिक संसाधनों से जेसीबी मशीन लगाकर सड़क का काम शुरू कर दिया और आज सड़क गाँव तक पहुँच गयी, जिससे इन युवाओं ने सरकार शासन प्रशासन को आईना दिखाने का काम किया है। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 1 किलोमीटर सड़क के लिए वह लोग सरकार शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि सबके पास गए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, जबकि उन्होंने बताया भी था कि सड़क से गांव तक सामान और गांव से नकदी फसल को सड़क तक पहुंचाने में घोड़े खच्चरों का अलग से भाड़ा देना पड़ता था। शादी विवाह समारोह में बारात आज के इस युग में उनके गाँव तक पैदल आती थी, किन्तु अब सड़क निर्माण हो जाने के बाद वे लोग बहुत खुश है। आज ठक्कर कुदानू गांव के युवाओं ने गांव तक सड़क पहुंचा कर मिसाल का आज मेरे ग्राम ठक्कर गुदाव में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे सभी युवा साथी माता बहनों के सहयोग से ये रोड का जो शुभारंभ किया गया, सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि हमारे गांव तक ये रोड पहुंच गई है। और हमने इस रोड के मामले में सभी अपने जितने भी हमारे धनौल्टी विधानसभा के प्रतिनिधि रहे हैं उनको कई बार अवगत कराते हुए हमने ये समस्या उन तक पहुंचाई है। विभागियों ने कोई भी इसमें एक्शन नहीं लिया और हमारे जो मूलभूत रोड की समस्या थी वो आज पूर्ण हो गई है और समस्त ग्रामवासी इससे बहुत खुश हैं। और हमारी माता बहनों को जो बीमारी से कई चीज़ों का सामना करना पड़ता था, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, उससे भी आज वो बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे गाँव में रोड हो गया, अगर कोई सी स्वास्थ्य की दिक्कत होती है तो हम आसानी से आ जा सकते हैं।
और सभी युवा साथी माता बहनों को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस जो संपूर्ण सड़क योजना जो हमारी पूर्ण है, इसका सहयोग मैं अपने युवा साथी जो मेरे साथ दिन रात एक मेहनत करके अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, और अपने माता बहनों को इसका श्रेय मैं समस्त ग्रामवासियों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये ख्वाहिश थी हमारी कि हमारे गांव में रोड पहुँचे। हम लोग शासन प्रशासन हर विभागों में सब ने चक्कर काट करके हमारे पाँव में छाले पड़ गए थे। किसी शासन प्रशासन ने हमारी आवाज़ को कहीं पर महत्व नहीं दिया। इस समय हमारे युवा साथी लॉकडाउन के उस पर सारे घर आए थे। सभी युवा साथियों ने, पूरे गांव वासियों ने एकजुट करके कहा, अपने ही संसाधनों से गैंती बेलचा ले करके सड़क पे आई कि हमको रोड निकालनी है, सड़क निकालनी है। क्योंकि हम लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि कभी कोई बीमार होता था उसके लिए हमें बड़ी दिक्कत होती थी, शादी ब्याह पार्टियों में हमको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समय हमारे जो नवयुवक साथियों ने जो जोश खरोश दिखाया, उसके लिए मैं अपने नवयुवक साथियों को धन्यवाद देता हूँ। और हमारे पूरे ग्रामवासियों ने जो इस समय जोश खरोश के साथ जो कर दिखाया, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और धन्यवाद।